सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बसंतीपुर में हुए गोलीकांड में मृतक के पिता का गंभीर आरोप एसपी से की गई शिकायत। बीते 20 सितंबर को कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बसंतीपुर में कपिल वर्मा पुत्र दिलीप वर्मा को अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया था। लखनऊ के ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान कपिल वर्मा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन शव लेकर वापस आ गए थे। पुलिस ने उसी दिन अंतिम संस्कार कराने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। सीओ भी मौके पर पहुंचे थे। दूसरे दिन पुलिस के आश्वासन पर परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। अब परिवार वालों का कहना है कि कपिल ने मरने से पहले 5 लोगों पर आरोप लगाया था, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जबकि पुलिस ने मृतक के परिवार को आश्वासन दिया था कि दर्ज मुकदमे की धारा तर्मीन करके जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मृतक के पिता दिलीप वर्मा ने क्या कुछ आरोप लगाया है पुलिस पर, आप भी सुने। हमारे लड़के ने गोली मार दी जी, हम बसंती को रह के, हमारा नाम दिलीप कुमार और गोली मार दी गई, उनका जिला अस्पताल ले गया, रेफर कर गई, हम ड्रामा सेंटर ले गए। वहाँ 5 बजे बयान ले गई, 5 बयान के बाद वो ऑपरेशन होएगा, ख़त्म होएगा। इसके बाद हम घर लाए तो पुलिस हमका कोई आज तक पुलिस हमारे द्वारे शिकायत हमारे हाथ में आई, उधर कोई बयान दे, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसने कोई गरीबा ही नहीं किया आज तक। कितना समय हो गया इस मामले को? खुद तक गोली लग गया। आप कौन है मृतक के? पिताजी।